पांच राज्यों के विधानसभा चुनाव जिनमें से तीन हिंदी राज्यों में बीजेपी को प्रचंड जीत बहुमत के साथ मिली, क्या यह कहा जाए कि देश में सिर्फ एक ही गारंटी चल रही है, वो है मोदी की गारंटी? खैर, बीजेपी की जीत पर और राहुल गांधी की इतनी मेहनत के बाद भी आखिरकार कांग्रेस से कहां चूक हो गई? और जिस बात का जिक्र चल रहा था कि मोदी मैजिक कायम है इसलिए बीजेपी को प्रचंड बहुमत मिला, ये कितना सही? आज भारत एट नाइन में इसी की समीक्षा करेंगे। नमस्कार, मेरा नाम है हरीश असवाल। इन्हीं मुद्दों को विश्लेषण करेंगे, तो वीडियो को पूरा जरूर देखें। तो सबसे पहले बात करते हैं कि आखिर इन चुनावों को दोनों पार्टियों ने किस तरह से लिया, तो देखें एक रिपोर्ट। विधानसभा चुनाव हुए लेकिन तीन हिंदी राज्यों में बीजेपी को प्रचंड बहुमत मिला। बहुत सारी बातें हो रही थी, बहुत सारे वादे हो रहे थे, बहुत सारे दावे हो रहे थे, लेकिन सवाल ये है कि आखिर दोनों पार्टियों ने इन चुनावों को किस तरीके से देखा? क्यों बीजेपी तीन राज्यों में प्रचंड बहुमत जीत कर परचम लहराती हुई नजर आई, और दूसरी तरफ राहुल गांधी की इतनी कोशिशों के बावजूद भी आखिर क्यों कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा? बीजेपी हर चुनावों को पूरे दमखम के साथ, पूरी मेहनत, पूरी लगन के साथ लड़ती है। ये वजह बीजेपी की जीत की है। अपने कामों को जनता तक पहुंचाना, साथ ही फीडबैक भी लेना, संगठन को साथ लेकर चलने वाली पार्टी बीजेपी है। मोदी के चेहरे के साथ खड़ी रहती है क्योंकि बीजेपी जानती है कि मोदी के चेहरे पर जनता ने विश्वास कर लिया है। इसलिए ही तो 2014 में प्रचंड जीत के बाद भी 2018 के विधानसभा चुनावों में जनता ने 2018 में कांग्रेस पर भरोसा किया, लेकिन 2019 के लोकसभा चुनावों में मोदी और ज्यादा सीटों के साथ आए। जो वादे लोकसभा में किए गए वो पूरे किए। जनता का विश्वास जीतना, डबल इंजन की सरकार जहां जहां है वहां अपने कामों को हर तबके तक पहुंचाना, महिलाओं पर ज्यादा फोकस करना, उनके लिए अनेकों स्कीम योजना लेकर आना और उसे धरातल पर उतारा, बीजेपी की जीत में ये सबसे बड़ा फैक्टर रहा। इसके अलावा वादे करके उनको सबसे पहले अमल में लाना, आलाकमान के साथ हर एक कार्यकर्ता का कदम से कदम मिलकर चलना, कहीं भी किसी भी मन से कोई भी ऐसे बयान न देना जिससे पार्टी की छवि धूमिल हो, तो ये कहीं ना कहीं प्लस पॉइंट रहा बीजेपी के लिए। लेकिन कांग्रेस कहां माइनस में जाती गई उस पर भी नजर डालना जरूरी है। दरअसल कांग्रेस में सबसे बड़ी कमी संगठन की है। यहां सिर्फ नेताओं को ज्यादा तवज्जो दी जाती है, संगठन को बूथ स्तर तक मजबूत करने पर नहीं। राहुल की भारत जोड़ो यात्रा का असर भी दिखा, लेकिन पार्टी के अंदर ही कई नेताओं ने उन्हें सीरियसली नहीं लिया। ज्योतिरादित्य सिंधिया को जिस तरीके से कांग्रेस में रहते हुए अपमानित किया गया वो कांग्रेस को भारी पड़ा। अच्छे युवा नेताओं की कदर ना करना, वादे बड़े बड़े करना लेकिन उनको धरातल पर ना उतारना, चुनावी दौर में बड़ी बड़ी बातें करना लेकिन जमीनी स्तर पर काम ना करना, शीर्ष नेतृत्व के नाम पर सिर्फ कुछ नेताओं को ही सुनना, ये कांग्रेस के डाउनफॉल की सबसे बड़ी वजह है जिसे कांग्रेस को जल्द ही ठीक करना होगा, वरना 2024 के चुनावों में भी काफी ज्यादा कांग्रेस को जूझना पड़ सकता है। इसके अलावा चलिए एक नजर डालते हैं कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर रहे जहां पर मोदी को बहुत ज्यादा पसंद किया गया। केंद्र की योजनाओं ने बीजेपी को बंक पर वोट दिलाया क्योंकि वादे करके बीजेपी ने उन्हें लोगों तक पहुंचाया। सबसे पहले शुरुआत कर लेते हैं पीएम विश्वकर्मा योजना से। इस योजना के तहत 13,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया जो अगले 5 साल यानी कि 2023 से 2024 से 2027 से 28 तक लागू रहेगा। प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के तहत पारंपरिक कारीगरों, हस्तशिल्पकारों को विश्वकर्मा प्रमाण पत्र और पहचान पत्र मिलेगा। प्रधानमंत्री आवास योजना। इस स्कीम के तहत देश के गरीब और बेघर लोगों को अपना आवास बनवाने के लिए केंद्र सरकार की ओर से सहायता राशि दी जाती है। इस राशि की मदद से गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले नागरिक खुद का घर बनवाने में सक्षम हो पाते हैं। जनधन योजना। इस योजना के तहत गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले लोग बैंकों में जीरो बैलेंस अकाउंट खुलवा सकते हैं। जनधन बैंक खाते पर आमजन को चेकबुक, पासबुक, दुर्घटना बीमा के अलावा ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी की सुविधा भी मिलती है। ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी के तहत जनधन खाता धारक अपने अकाउंट में बैलेंस नहीं होने पर 10,000 रुपए तक की राशि निकाल सकते हैं। इस योजना का मकसद वित्तीय समावेशन मतलब देश के गरीब से गरीब व्यक्ति को भी बैंकिंग सिस्टम से जोड़ना है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना।
देश के छोटे लघु और सीमांत किसानों को खेती करने में आर्थिक मदद देने के लिए केंद्र सरकार पीएम किसान सम्मान निधि योजना चलाती है। इस योजना के तहत केंद्र सरकार देश के किसानों को साल भर में 6,000 रुपए की आर्थिक सहायता देती है। ये पैसे 2,000 की 3 किश्तों में सीधे किसान लाभार्थियों के बैंक खाते में ट्रांसफर होते हैं। इस योजना में जमीन, आय के स्रोत और कुछ दूसरे पैमानों को देखते हुए लाभार्थियों की पात्रता तय की जाती है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना। मोदी सरकार ने इस योजना की शुरुआत मार्च 2020 में ही की थी। कोरोना महामारी के चलते लॉकडाउन के दौरान इस स्कीम को शुरू करके 80 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज उपलब्ध कराया गया था। केंद्र सरकार इस योजना को कई बार बढ़ा चुकी है। फिलहाल इस योजना का लाभ दिसंबर 2023 तक लिया जा सकता है। पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना के माध्यम से देश के 80 करोड़ नागरिकों को हर महीने 5 किलो गेहूं या चावल मुफ्त प्रदान किए जाते हैं। उज्ज्वला योजना। मोदी सरकार ने देश की महिलाओं की जिंदगी में बदलाव के मकसद से मई 2016 में उज्ज्वला योजना की शुरुआत की थी। इस योजना के तहत बीपीएल कार्ड धारकों को मुफ्त गैस कनेक्शन दिया जाता है। सब्सिडी पर एक साल में 12 गैस सिलेंडर मिलते हैं। सब्सिडी सीधे पात्र लाभार्थियों के बैंक खातों में जमा होती है। उज्ज्वला योजना के 1 मार्च 2023 तक 9 करोड़ से ज्यादा लाभार्थी हैं। केंद्र सरकार ने इसके विस्तार की भी योजना बताई है, जिसके तहत 2023 से 24 से 2025 से 26 तक 3 वर्षों में 1650 करोड़ रुपए की लागत से 75 लाख नई उज्ज्वला एलपीजी कनेक्शन जारी किए जाएंगे। आयुष्मान भारत योजना। देश के गरीब और आर्थिक रूप से कमजोर नागरिकों के स्वास्थ्य का ख्याल रखने के उद्देश्य से मोदी सरकार ने आयुष्मान भारत योजना चलाई। दवाई की लागत, चिकित्सा आदि का खर्च सरकार वहन करती है। इस योजना के पात्र लोग आयुष्मान कार्ड के जरिए सरकार द्वारा सूचीबद्ध अस्पतालों में मुफ्त में अपना इलाज करवा सकते हैं। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना। ये स्कीम बीमा धारकों की मृत्यु होने की स्थिति में उनके परिवार को 2 लाख तक की आर्थिक मदद दिलाती है। आप मात्र 436 रुपए सालाना का प्रीमियम भरकर इस स्कीम का लाभ ले सकते हैं। इस पॉलिसी को खरीदने के लिए आपकी न्यूनतम आयु 18 वर्ष, अधिकतम 55 वर्ष तय की गई है। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। भारत की बड़ी आबादी को सुरक्षित करने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना को साल 2015 में शुरू किया गया। पहले इसका सालाना प्रीमियम 12 रुपए था, जिसके बाद 1 जून 2022 से बढ़ाकर 20 रुपए कर दिया गया। इस योजना में आपको 2 लाख रुपए तक का दुर्घटना बीमा कवर मिलता है। अटल पेंशन योजना। ये भारत के नागरिकों के लिए असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों पर केंद्रित एक पेंशन योजना है। भारत सरकार की ओर से चलाई जा रही इस पेंशन स्कीम में 18 साल से लेकर 40 साल तक की उम्र तक निवेश करना है। इस स्कीम के जरिए 60 की उम्र के बाद हर महीने अधिकतम 5,000 रुपए तक की पेंशन प्राप्त की जा सकती है। यानी ये कहा जा सकता है कि ये जो योजनाएं केंद्र सरकार की तरफ से लाई गई, पीएम मोदी की तरफ से लाई गई, ये बहुत महत्वपूर्ण थी। और कहते हैं ना कि जीत की तैयारी एक दिन में नहीं होती, हर दिन जूझना पड़ता है, हर दिन उठना पड़ता है, हर दिन गिरना पड़ता है और हर दिन गिरकर फिर उठना पड़ता है, तब जाकर कोई मोदी बनता है। ये तो हो गई योजनाओं की बात, लेकिन पिछले कुछ सालों में पीएम मोदी कई बार जीत के हीरो बने। कई ऐसे मौके आए जब पीएम मोदी ने जनता का दिल जीत लिया। चलिए एक नज़र डालते हैं उनकी तस्वीरों पर। जब पीएम मोदी ने ब्रिक्स समिट के दौरान तिरंगे के लिए सम्मान दिखाया, लोगों ने पीएम की सराहना की। आप समझ सकते हैं, जब एक प्रधानमंत्री तिरंगे को इस तरह से ट्राई कलर को स्पॉट पे जो रखा हुआ था, जहाँ पर फोटोग्राफी होनी थी और एक स्पॉट बनाया गया था कि आप कहाँ पर प्रधानमंत्री खड़े होंगे, कहाँ पर दूसरे देश के प्रधानमंत्री खड़े होंगे, तो वहाँ पर एक भारत के झंडे का कलर दिया गया था। उन्होंने उसको उठाया, जेब में रखा और ये देश दुनिया में ये एक संदेश गया कि अपने देश के प्रति किस तरह से प्यार सम्मान उन्होंने दिखाया। तो ये दिल से आता है, ये किसी योजना या किसी और तरीके से नहीं, जहाँ आप कह सकते हो कि हर चीज़ स्क्रिप्टेड नहीं होती, ये आपके दिल से आता है। यही प्रधानमंत्री ने अपने दिल की बात अपने तरीके से वहाँ से देखने को मिली। तो चलिए अगली तस्वीर। कोरोना काल में कोरोना योद्धाओं का सम्मान जिस तरह से किया गया वो काबिले तारीफ था। जैसे कि उनके लिए ताली बजाना, कोरोना योद्धाओं के लिए पहले वैक्सीन का लाना, सबसे पहले उन लोगों को वैक्सीन लगवाना, तो एक अपने आप में प्रधानमंत्री की जो सोच है कि जो लोग सड़कों पर रहे, जो लोग घर से बाहर रहे, पूरी दुनिया देश जब अपने दरवाजों के अंदर बंद थी, तो ये वो योद्धा थे जो आपकी रक्षा कर रहे थे। तो पहले उनको सम्मान, उनकी सुरक्षा की बात की, ये बहुत बड़ी दिल छूने वाली बात थी। पूरा देश जहां डरा हुआ था, पूरी दुनिया में जहां त्राहिमाम मचा हुआ था, वहीं ये संदेश देना, ये बहुत बड़ी बात थी। तो चलिए एक तस्वीर और। तेजस में पीएम मोदी का उड़ान भरना और ये मैसेज देना, वो देश की रक्षा के लिए पूरी तरह से समर्पित और तैयार रहने का संदेश। आप समझ सकते हैं, जब एक प्रधानमंत्री किसी फाइटर प्लेन में बैठता है, वो भी स्वदेशी,
तो उसका मैसेज बहुत क्लियर होता है पूरी दुनिया के लिए कि हम किस तरह से तैयार हैं, हमारी सेना की क्या तैयारियां हैं और हम कितने आत्मनिर्भर बन चुके हैं। इसका सीधा सीधा सा मैसेज था दुनिया के लिए कि हम आज की डेट में हम निर्यात के लिए भी तैयार हैं। तो इसका भी गलत कई मतलब निकाला गया, पर फिर भी देश और दुनिया के लिए मैसेज बहुत पॉजिटिव था और लोगों ने इसे पॉजिटिव लिया। तो चलिए एक और देखते हैं, जहां चंद्रयान 3 की सफल लॉन्चिंग पर इसरो सेंटर जाकर हमारे वैज्ञानिकों का हौसला अफजाई करना और प्रोत्साहन करना। तो समझ सकते हैं कि चंद्रयान 2 के वक्त जिस तरह से प्रधानमंत्री मोदी एक नहीं दो बारी इसरो सेंटर जाके पहले रात भर इसरो सेंटर में रहते हैं और किस तरह से सुबह जाकर उनका मनोबल फिर बढ़ाते हैं और फिर उनको बोलते हैं कि आप दोबारा तैयारी करें, मैं तुम्हारे साथ हूँ। ये वैज्ञानिकों का मनोबल बढ़ाना ये कहीं ना कहीं जताता है कि देश का वैज्ञानिक, देश का इंजीनियर, देश का डॉक्टर अपने प्रधानमंत्री को किस तरह से देखता है। तो यहाँ उन्होंने एक मैसेज दिया और अपने वैज्ञानिकों की सराहना की, उनको प्रोत्साहित किया और आगे और अच्छा करने के लिए उनका मनोबल बढ़ाया। अब एक चीज़ और, छोटी छोटी सी बातें होती, जिस प्रकार से छोटे छोटे मासूम बच्चों से कभी भी बात कर लेना, उनकी जैसे बातें करना, उनके जैसे बन जाना, ये प्रधानमंत्री मोदी की हमेशा से खासियत देखी गई है। जब भी 15 अगस्त का दिन होता है वो प्रोटोकॉल तोड़कर बच्चों के पास चले जाते हैं। तो कहीं आपने देखा होगा कि कई बार ये होता है कि प्रधानमंत्री मोदी कैमरे को देखकर ऐसा करते हैं, पर नहीं, कोई एक बार कर सकता है, दो बार ही कर सकता है, कोई बार बार ही करे तो उसका वो नेचुरल, उसका बिहेवियर जो है वो सामने आता है और बच्चों के प्रति वो प्रेम सामने आता है। जिस प्रकार से कई बार वो भीड़ में बच्चों को अलग से आइडेंटिफाई कर लेते हैं और उनके पास चले जाते हैं, तो वो भी एक तरीका है जहां प्रधानमंत्री मोदी पूरी देश दुनिया का दिल जीत रहे होते हैं। G20 की मेज़बानी भारत ने जिस तरह से की वो काबिले तारीफ थी। जहां पर पूरे देश दुनिया G20 पर देख रही थी, वहां पर उन्होंने इतनी सरलता से G20 को किया, उसकी मेज़बानी की और किस तरह से अपने देश की तैयारियां, देश का मनोबल बढ़ाया और दिखाया कि हम हर तरह से तैयार हैं, हर तरह से हम विश्व, जिस तरह से विश्व कुटुंब की बात करते हैं, उसी तरह से उन्होंने बताया कि ये पूरा देश हमारा कुटुंब है और हम इसके लिए पूरी तरह से चिंतित हैं। आतंकवाद को लेकर हो, पर्यावरण को लेकर हो, हर मुद्दे पर वो ओपन रहे और हर मुद्दे पर हर देश से वो बात करने के लिए तैयार रहे। वैश्विक स्तर पर अपने आप को मजबूत करने के लिए दूसरे देशों के प्रतिनिधियों से मुलाकात को सरल बना देना, ये प्रधानमंत्री मोदी की खासियत रही। एक माँ से जुड़ी हुई बातें, जिस प्रकार से अपनी माँ की पेंटिंग एक युवती से लेना और उसे मुलाकात करना, सरलता से और सहजता से का प्रतीक देना, ये दिखाया उन्होंने अपनी माँ के प्रति प्रेम, आदर, उस महिला के प्रति कि किस तरह से उस महिला ने उनकी माताजी की पेंटिंग बनाई थी, उसको उतने ही सम्मान से उस महिला को बताना कि मैं कितना भावुक हुआ अपनी माँ की पेंटिंग तुम्हारे हाथ में देखकर, जिसमें तुमने मेहनत की होगी रात दिन बनाने में, तो मैं इसके सम्मान से इस पेंटिंग को लेता हूँ, और उसको उससे बहुत ही सरलता से बात करना, ये कहीं ना कहीं महिलाओं के में एक जुड़ाव नज़र आया प्रधानमंत्री का। अपनी माताजी से हर जन्मदिन पर उनसे मुलाकात करना, आज उनकी माताजी हमारे बीच में नहीं है, पर उन्होंने अपनी माताजी के प्रति प्रेम भाव और किस तरह से हमारे हिंदू समाज और इस देश में माता पिता के प्रति किस तरह का प्रेम होता है ये दिखाया, और किस तरह से आशीर्वाद लेने का उनका हमेशा से रहा है कि बड़े बुजुर्गों का हमेशा आशीर्वाद बना रहे, ये उन्होंने उसके अंदर दिखाया और बताया देश दुनिया को कि मैं प्रधानमंत्री होते हुए भी आज भी मुझे अपनी माँ की आवश्यकता है। विश्व स्तर पर अपने आप को मजबूत करना, लेकिन अपनी संस्कृति और सभ्यता को कायम रखना। जब किसी समिट में जाते हैं, अपनी मजबूती किस प्रकार से प्रधानमंत्री मोदी ने दिखाई और संस्कृति के बारे में बताया, कई बारी आपने मूवमेंट देखे होंगे जहां पर शैंपेन टोस्ट करते हुए दिखाई दिए होंगे, पर उसके बाद वो ग्लास सीधा नीचे रखते हुए, क्योंकि उन्होंने दिखाया कि हमारी संस्कृति और सभ्यता ये नहीं है, मैं तुम्हारे साथ के लिए ग्लास उठा सकता हूँ पर अपनी सभ्यता नहीं भूल सकता, ये कहीं ना कहीं उन्होंने दर्शाया। अब सबसे बड़ी बात, विश्व कप में भारत की हार के साथ अपने खिलाड़ियों को मनोबल बढ़ाना, जहां पूरी तरह से खिलाड़ी टूट चुके थे, 10 के 10 मैच जीतने के बाद
ग्यारहवें मैच में उनको पूरी उम्मीद थी कि हम वर्ल्ड कप इस बारी घर लाएंगे, पर एक खराब दिन आया, खराब मैच हुआ और उसको देखने के लिए प्रधानमंत्री मोदी वहाँ पहुँचे और वो मैच हार जाते हैं। तो भी उन्होंने उसी सरलता से अपने खिलाड़ियों से मिले, उनको समझाया कि होता है, ऐसा हो जाता है और अपना मनोबल कम ना करें, आपने बहुत अच्छा खेला, बहुत अच्छा किया, हम आपके साथ हैं। ये मनोबल कहीं ना कहीं बढ़ता है खिलाड़ियों का, जब प्रधानमंत्री सामने से ये कह रहा होता है तो मनोबल बढ़ता है। तो ये देश दुनिया ने देखा। सफाई कर्मचारियों के पांव धोना, जातिवाद से परे, ऊंच नीच से परे और होकर राजनीति करना, ये अपने आप में एक मिसाल है। जहां पूरे देश में जाति जनगणना की बात हो रही है, जहां पूरे देश को जातियों में बांटने की बात हो रही है, वहीं प्रधानमंत्री ने यह बताया सारी जातियां एक हैं और कोई जाति छोटी बड़ी नहीं है। तो वो उस तरह से उनके पांव धोना, उनको सम्मान देना, ये एक बहुत बड़ा संदेश उन सभी लोगों को कि प्रधानमंत्री भी इन्हीं जातियों से आते हैं, उनके लिए सब एक समान है, ब्राह्मण हो या क्षत्रिय हो या कोई भी जाति के हों, वो सब एक समानता से उनको देखते हैं और योजनाएं सब उनके लिए बराबर हैं। ऐसा कोई जातिवाद योजना नहीं है, तो सभी के लिए बराबर योजनाओं के साथ वो आते हैं। तो उन्होंने ये संदेश हमेशा से दिया है। अब इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म की बात करें, जब प्रधानमंत्री मोदी अमेरिका गए, वहाँ राष्ट्रगान गाकर वहाँ बसे भारतीयों में राष्ट्र की भावना को जागृत करना और उससे उन्हें जोड़ देना, ये कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी बात थी। जो प्रदेश में बैठे हुए लोग अपने देश को मिस करते हैं, उन्होंने वो देखा, वो सुना और वो अपने देश से जुड़े। ये भावना जब किसी आती है कहीं प्रदेश में आकर, वो उनके अंदर प्रधानमंत्री मोदी लेके आए। तो प्रधानमंत्री मोदी के ये छोटे छोटे मूवमेंट्स जो हैं, ये बड़े कमाल के होते हैं, जहाँ वो देश की बात इतनी सरलता से रख देते हैं और कहीं भी बैठा हुआ, दुनिया में कहीं भी बैठा हुआ भारतीय अपने देश को याद कर लेता है। ये बहुत ही सरलता का परिचय देता है। नई संसद में सेंगुल की स्थापना, सनातन धर्म की ओर एक और आस्था बढ़ा देना। आप समझ सकते हैं सेंगुल कितनी बड़ी चीज़ थी, जिसको पूरा देश भूल चुका था। प्रधानमंत्री मोदी उसको ढूंढ कर लाए और देखा कि कहाँ इस सेंगुल को हम नई संसद भवन में रख सकते हैं, क्योंकि आज तक जो हम संसद भवन में बैठे थे वो अंग्रेजों की बनाई हुई संसद भवन था। उन्होंने जब अपनी संसद भवन बनाई तो अपने सेंगुल को याद किया। ये सेंगुल कोई और कुछ नहीं, आप समझ सकते हैं ये सेंगुल वही है जो अंग्रेज जाते वक्त पंडित जवाहरलाल नेहरू के हाथ में थमा कर गए थे, पर कांग्रेस इसको लेकर भूल गई थी और इसको प्रधानमंत्री दोबारा से लेके आए और उन्होंने सनातन धर्म को वापस याद दिलाया। तो ये छोटे छोटे से मूवमेंट्स जब आए तो देश दुनिया उनकी तरफ अपने आप ही बढ़ती हुई नजर आई। पर इसकी लोकप्रियता कब समझ में आती है? जब वोट पड़ते हैं। जब किसी देश का पीएम मोदी के पांव छू ले और पूरे आदर से उनका स्वागत करे और हिंदू रीति रिवाज से उनके पांव छूकर उनका आशीर्वाद ले, तो देश दुनिया में एक मैसेज बहुत क्लियर था कि हिंदुस्तान का कद बढ़ रहा है, हिंदुस्तान की जरूरत हर किसी को है और हिंदुस्तान का जो चरित्र है वो हर कोई अपनाना चाहता है। इसी प्रकार से जब वो ट्रेन के अंदर महिलाओं से, रेलवे कर्मचारियों से बात करना और उनकी अनुभव को जानने की कोशिश करते हैं, तो महिला सशक्तिकरण की को बढ़ावा देने जैसी बात हो जाती है। तो महिलाओं के प्रति जो उनका रुझान है, जो महिलाओं को प्रति उन्होंने योजनाएं हैं, कई प्रकार की योजनाएं, महिलाओं को आरक्षण देना, राजनीति में आरक्षण देना, ये इस तरह के कई योजनाएं उन्होंने लेके आए, जहां उनको ये दिखाता है कि प्रधानमंत्री एक के नहीं पूरे देश के हैं। वो योजनाएं वो एक प्रदेश के लिए लेके नहीं आए थे, पूरे देश के लिए लेके आए थे। 80 करोड़ लोगों को जब भोजन दे देना आपातकाल में और उसको दिसंबर तक लागू रखना, तो इसको कहीं ना कहीं कांग्रेस ने उसको उल्टा समझाया कि आज भी हमारा देश फ्री के राशन पर टिका है। पर उन्होंने ये नहीं दिखाया कि एक प्रधानमंत्री की काबिलियत और किस तरह से उन्होंने कोई भी घर को भूखा नहीं सोने दिया, ये दिखाता है कि एक प्रधानमंत्री का अपने देश के प्रति प्रेम। तब कहते हैं ना
कोई जागता है तब कोई सोता है, तो इसीलिए उन्होंने अपने आप को चौकीदार कहा था। इसीलिए वो कहते हैं कि मैं चौकीदार हूँ, मैं प्रधान हूँ। उन्होंने ऐसे सरल शब्दों का उपयोग किया, तब जाके एक प्रधानमंत्री बनता है, तब जाके एक मोदी बनता है। इसी प्रकार से कांग्रेस की यही गलतियाँ, जो अच्छे कामों को अच्छा ना बोलना, खराब कामों को और ज़्यादा करना, अपने ही पार्टियों में कई बार ऐसा हुआ जहाँ पर उन्होंने अपने ही युवाओं को सम्मान नहीं दिया, अपने बड़े बुजुर्गों को आशीर्वाद नहीं लिया, अपने साथियों को नीचा दिखाया, कुत्ते को बिस्कुट ज़्यादा इम्पोर्टेंट दिखाया बजाय कि अपने साथी का। साथी जब छूट जाते हैं ना तो उनकी याद आती है। साथियों का सम्मान भी बहुत ज़रूरी है, बोलते हैं ना कि दोस्त बहुत ज़रूरी होते हैं। तो कांग्रेस ने कहीं ना कहीं पर अपने दोस्तों की बदनामी आज तक की, कहीं उनके कद के ऊपर बात की, कहीं उनको गद्दार से कहा। जब दोस्ती थी तो वही मित्र उनके काम के थे, आज दोस्ती नहीं है तो वो गद्दार और कद के उनके बात की। यही दुनिया को पसंद नहीं आया, देश को पसंद नहीं आया, प्रदेशों को पसंद नहीं आया, और उन्होंने 3 जगह प्रचंड बहुमत देकर बीजेपी को कहा कि 2024 की तैयारी करें। तो कहीं ना कहीं पर लोगों के बीच में ये बात आ गई है कि 2024 में कोई और नहीं, कोई विकल्प नहीं, और तीसरी बारी हैट्रिक लगाने के लिए मोदी तैयार है। तो इसी प्रकार से बीजेपी छोटे छोटे मूवमेंट्स में अपना इलेक्शन जीत के जाते हैं, और यही मूवमेंट्स होते हैं जो देश बनता है, और देश के अंदर ये मूवमेंट्स होते रहें और लोगों की समस्याएं सॉल्व होती रहें, इसी से हमारी सरकारें चलती हैं। जिस प्रकार से विपक्ष ने कहा कि डबल इंजन की सरकार, मैं डबल इंजन की सरकार के फायदे बता देता हूँ, और विपक्ष ने जिसको समझा नहीं वो भी बता देता हूँ। डबल इंजन की सरकार होने से फ़ायदा ये होता है कि प्रदेश और सेंट्रल में जब आपकी गवर्नमेंट एक होती है तो आपके प्रपोजल फटाफट पास हो जाते हैं। ये सरल भाषा में मैंने बताया कि कोई ये नहीं कह सकता कि आपसे कोई फेक वादे कर आपको बहला फुसला कर आपसे वोट ले ले और बाद में ये कह दे कि मैंने तो प्रपोजल भेज दिया था पर सेंट्रल ने इसे मना कर दिया। तो ऐसे प्रलोभन से बचें और कोशिश करें कि प्रचंड बहुमत से दोनों तरफ सरकार बनाएं ताकि देश के अंदर एक योजना सही तरीके से पनपे और योजना के तहत काम हो। तो आप भारत एट नाइन देखते रहें, कल हम किसी और मुद्दे पर उसकी समीक्षा करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।